नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और अब देखिए उस सीट से न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव इलेक्शन रिपोर्ट, जो यूपी में सबसे ज्यादा वोटर वाली सीट है, जहां ब्राह्मण मुस्लिम वोट किसी की भी जीत का समीकरण बना या फिर बिगाड़ भी सकते हैं। देखिए वेस्ट यूपी की लोकसभा जैसी बड़ी विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए साहिबाबाद का सुल्तान कौन। जिला गाजियाबाद का साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली विधानसभा। जी हाँ, यहाँ तकरीबन 10.25 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। कच्ची कॉलोनियों से लेकर हाई राइज बिल्डिंग में हर वर्ग के लोग रहते हैं। विभिन्नता में एकता इस सीट की सबसे बड़ी पहचान है। 2012 में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हुआ जिसमें बीएसपी ने सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन 2014 के बाद से भाजपा का गढ़ बन गई साहिबाबाद। लेकिन क्या इस बार भाजपा अपना प्रदर्शन वापस दोहरा पाएगी? आखिर क्या है मुद्दे? सपा आरएलडी के गठबंधन किस तरह से ध्रुवीकरण कर वोट को साधेगा, या फिर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर साहिबाबाद में ताल ठोकेगी? हम जानते हैं यहाँ के नेताओं से और यहाँ की जनता से कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वोट होगा और किसकी जीत और किसकी हार तय होगी। साहिबाबाद विविधता से भरी विधानसभा, जहां पर गरीब से लेकर अमीर तक हर वर्ग मिलेगा। यहां पर प्रवासी मजदूर भी मिलेगा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले प्रोफेशनल भी। ब्राह्मण बाहुल्य और शहरी सीट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी से सुनील शर्मा को एक बार फिर चुनावी रण में उतारा है। मौजूदा विधायक सुनील शर्मा जनता जनार्दन के बीच अपने कामकाज के साथ साथ योगी के विकास और कानून व्यवस्था मॉडल पर वोट साधने में जुटे हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र न केवल प्रदेश की बल्कि देश की सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली सीट है। यहाँ पे लगभग 10 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। हालांकि आमतौर पे 10 लाख से ऊपर लोकसभा की सीट काउंट होने लगती है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया जाता है, लेकिन साहिबाबाद में 10 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले विधायक थे सुनील शर्मा जी। 2017 में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से अपने विरोधी को हराया था। इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? इस बार पहले से ज़्यादा मतों से हम चुनाव जीतेंगे और मेरा अनुमान है कि पिछली बार हम मुझको 62% वोट मिले थे, अब की बार हम 65% प्लस रहे, 35% में बाकी सब पार्टी। क्या वजह है, क्या इतनी बड़ी जीत का दावा किस लिए? इसलिए हम कर सकते हैं कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, विकास के भी कार्य किए हैं। हमने एक अच्छी, लोगों को एहसास कराया कि अच्छी कानून व्यवस्था अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता। हमने भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हमने दोनों का खात्मा किया। 2017 में मोदी लहर में सुनील शर्मा ने अपने विरोधी और मौजूदा सपा गठबंधन प्रत्याशी को 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हराकर प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज किया था, लेकिन कोरोना काल की दूसरी लहर में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, गंगा जल सप्लाई और कूड़े का डंपिंग यार्ड जैसे मुद्दे साहिबाबाद में खासे चर्चा में है। जहां तक साहिबाबाद की बात है, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में कार्य हुए उसी प्रकार साहिबाबाद में भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मैं संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ 2000 किलोमीटर सड़कें हैं साहिबाबाद विधानसभा के अंदर अंदर। 95% सड़कों को हमने सुगम बना दिया, गड्ढा मुक्त कर दिया, गड्ढा मुक्त नहीं, डेंस कर दिया उन पर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सरफेस चिकनी। 5000 से अधिक पार्क हैं, लगभग 100% के आसपास हम पहुँच रहे जिन पर हमने सौंदर्यकरण करा। सरकारी स्कूल हैं प्राइमरी, आज मेरी विधानसभा में सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठता, फर्स्ट क्लास कुर्सी मेज हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। अभी हम 20 स्कूलों को तोड़ करके उनकी नई बिल्डिंग बना करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। ये साहिबाबाद जाम के लिए मशहूर था, यहाँ जाम लगता था। अब यहाँ से इंडिया गेट जाना हो 15 मिनट का रास्ता, यहाँ से देहरादून जाएंगे आप तो 2.5 घंटे 3 घंटे पहुँच जाएंगे, और साहिबाबाद में कहीं जाम अब नहीं लगता। मोहन नगर जोन पूरा जल भराव के लिए मशहूर था। IMU के सामने चले जाइए, पसोंडा रोड पे चले जाइए, आराधना रोड पे चले जाइए, हमने सब को ठीक किया। बीजेपी भले ही विकास के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन जनता के लिए स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे हैं। कोविड काल के समय में साहिबाबाद में ऑक्सीजन मैन के नाम से फेमस हुए इंदिरापुरम गुरुद्वारा के लोगों का कहना है कि
राजधानी के नजदीक होने के बाद भी साहिबाबाद मूलभूत सुविधा से मोहताज है। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब न केवल प्रदेश देश बल्कि हर इलाके में त्राहिमाम था। ऐसे में साहिबाबाद के इंदिरापुरम इस गुरुद्वारे ने लोगों के लिए ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की थी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो बहुत चर्चा में आया और यहाँ के सेवादारों ने न केवल साहिबाबाद के बल्कि तमाम गाजियाबाद नोएडा के जो भी लोग आए उनको ऑक्सीजन मुहैया करवाई और उसके बाद यहाँ के जो प्रमुख हैं वो ऑक्सीजन मैन के नाम से फेमस हुए और उन्होंने कई सारे अवार्ड कई सारी चीज़ें हुई। आप सब लोगों ने बहुत काम किया था, क्या था पूरा, कैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आई थी उस समय में? सर कोरोना काल में फर्स्ट वेव में भी हमारी राशन की सेवा, दवाइयों की सेवा और लोगों को घर घर मदद पहुँचाने की सेवा चलती रही। सेकंड वेव में जब ऑक्सीजन की कमी आई तब जब जहां सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद हो गए, उनके प्राइवेट डॉक्टर ने फोन उठाने बंद कर दिए, सारे सरकारी संस्थान कहीं से कोई मदद नहीं मिली, तो खालसा हेल्प इंटरनेशनल और गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने उन गरीब लोगों का जो सड़कों पे मर रहे थे उनका हाथ थामा। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा विकास हुआ है, कैलाश मानसरोवर बना गाजियाबाद में। कुछ नहीं, कैलाश मानसरोवर उनके लिए बना होगा ना, हमारे लिए तो ही बनाएगा। हम पब्लिक कर सकती है, हमारे यहाँ अभी भी प्रोग्राम होते हैं, किसी को दे सकते हैं हाल, आप पूछना और काम के लिए दे दोगे कैलाश मानसरोवर? नेता जो है सिर्फ आता है चुनाव में, आते नहीं है, विश्वास ही नहीं है किसी भी नेता पर, विश्वास नहीं है। सर 5 साल में एक बार नजर आते हैं ये लोग, मजा तब है जब कोई आपदा आए यहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं भी, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करता, हिंदुस्तान में कहीं भी आपदा है इनको आगे आना चाहिए और हम लोग का सहयोग करना चाहिए। आप तो यंग हैं, क्या लगता है कि रोजगार बढ़े या जो आय के साधन थे वो पिछले 5 सालों में बढ़े हैं या उससे पहले आय के साधन थे वो बढ़े थे, आखिर कहाँ पर है युवा इस समय? देखो पहले ठीक था काम, अब तो धीरे धीरे करके सभी परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि कोरोना काल था, उसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, सभी लोगों को इवन ज़रूरत थी क्योंकि सारे ये चाहते थे कि सरकार की तरफ से मदद मिले जो कि सरकार उस समय फेल हो गई। वही जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण बाहुल्य सीट से सपा गठबंधन ने अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। सपा प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा में सरकारी अस्पताल, डिग्री कॉलेज, डंपिंग जोन और मेट्रो के अधूरे पड़े कामों को मुद्दा बनाकर मौजूदा विधायक की घेराबंदी कर रहे हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली क्षेत्र है ये और यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं गठबंधन के वो हैं अमरपाल शर्मा। व्यक्तिगत तौर पे कनेक्ट पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा माना जाता है, बार बार खुद भी अपने भाषणों में कहते हैं कि व्यक्ति पर वोट दीजिए जो आपके साथ में खड़ा रहे, आखिर वजह क्या? वजह साफ है कि जब हम 5 साल पहले हम विधायक थे हम हर जनता के साथ खड़े थे, जो मौजूदा विधायक है 5 साल कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोए और जनता के दुख दिलद्दर में किसी में शामिल नहीं हुए। कोरोना जैसे काल में विधायक को लोग ढूंढते रहे कि कहीं हमें ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं इंजेक्शन मिल जाए, कहीं फेविफ्लू टेबलेट मिल जाए, विधायक जी गायब थे। इसलिए जनता से मेरा साफ संदेश है कि जब आपकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है तो आप वोट क्यों डालते हो? आप वोट उसे दो ना, कम से कम जिसका नंबर आपके पास है, जिससे आप बात कर रहे हो उसको वोट दो। जनता ये तय करे कि दिलसाद गार्डन से लेके नए बस अड्डे तक की मेट्रो, माननीय राजनाथ जी यहाँ पे सांसद थे, अमरपाल शर्मा यहाँ विधायक थे, समाजवादी की सरकार थी, 2013 में मेला प्लाजा में हमने उद्घाटन किया था, ये माननीय कहाँ से आ गए उस बीच में? एलिवेटेड रोड माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, समाजवादी की सरकार थी, जब बन के तैयार हो गई इन्होंने उसका फीता काटा, समाजवादी के कई कार्यकर्ता जेल गए क्योंकि ये हमारी सरकार ने बनाया है, इसका उद्घाटन हम करेंगे, ये फिर ये कहाँ से आगे मान्य? फॉरेस्ट सिटी, संतोष यादव यहाँ पे वीसी थे, समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार में मेरे समय में बनी, ये मान्य उसमें कहाँ से आगे? NH-24 की जितनी ग्रीन बेल्ट है इसमें गंदा पानी सब भरा रहता था, ये सारा अमरपाल शर्मा ने इसका भराव करवा के इसमें ग्रीनरी बेल्ट स्थापित करी, ये मान्य उसमें कहाँ से आगे? मैं कहना चाहता हूँ सर, झूठ के अलावा इनके पास कुछ है? इन्होंने तो अपने उसमें ये भी दिया है कि 2000 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 2000 किलोमीटर तो कहीं पूरी साहिबाबाद में है भी नहीं। परिसीमन के बाद साहिबाबाद सीट पर 2012 में पहली बार हुए चुनाव में अमरपाल शर्मा बीजेपी मौजूदा विधायक सुनील शर्मा को पटखनी दे चुके हैं। अमरपाल शर्मा का दावा है कि कोरोना काल और पलायन के समय वो जनता के बीच रहे जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है।
अमरपाल जी, आप अपने आप को, मैंने भाषण सुने, आप बताते हैं कि आप लगातार मानसरोवर यात्रा करते हैं, कई सालों से लगातार कर रहे हैं, कैलाश यात्रा करते हैं, इसके अलावा भंडारा लगाते हैं, ब्राह्मण वोट है 1 लाख के करीब, लेकिन वहीं मुस्लिम वोट भी है 2.25 लाख के करीब। नहीं लगता कि अपने आप को ज़्यादा हिंदुत्ववादी छवि के तौर पर प्रस्तुत करना कहीं जातीय समीकरण में कुछ खेल बिगाड़ देगा? देखिए, मेरा मतलब हिंदुत्व से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा में है वही हिंदू हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे से बड़ा उनमें कोई हिंदू ही नहीं है। जब मैं 30 साल से लगातार अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ, 14 बार में कैलाश मानसरोवर जा लिया, सारे भंडारे जहाँ भी जो मुझसे होता है भोलेनाथ की आशीर्वाद से वो मैं कार्य करता हूँ। रही बात ध्रुवीकरण की, लोग जानते हैं यहाँ ध्रुवीकरण अब होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला। किसी हालात में भी लोग समझ गए, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे, वो पूछते हैं रोजगार कैसे मिलेगा, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, इसलिए लोग चाहते हैं महंगाई से छुटकारा कैसे मिलेगा। साहिबाबाद विधानसभा में कुल 10,12,154 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 5,71,503 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 4,40,594 है। महिला मतदाता और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बैनर तले दिवंगत कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की धर्मपत्नी संगीता त्यागी को टिकट दिया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कांग्रेस के इस नारे के साथ में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में ताल टोकी हुई है संगीता त्यागी जी ने। आप कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राजीव त्यागी जी की धर्मपत्नी हैं। गाजियाबाद में पिछली बार कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, हालांकि मजबूत कैंडिडेट थे, आप इस बार खड़ी हुई हैं, क्या चुनौतियां नजर आपके सामने हैं? चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, हुई हैं, हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ भी हम घूमे हैं वहाँ पे बहुत सारी लोगों की परेशानियाँ हैं। कांग्रेस की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के भीतर, तो बहुत बड़ा जनाधार नहीं बचा कांग्रेस साथ, लेकिन अब एक नई विचारधारा के साथ में, एक नए कैंपेन के साथ में, पिंक पर्चे और लिखा हुआ है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या लगता है फायदा मिलेगा कुछ? नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने अपना नारा उठाया है, और होना भी चाहिए। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। अब हम नारियां मिलकर अपना घर भी चलाएंगी, सदन तक भी पहुँचेंगी और देश भी चलाएंगी। साहिबाबाद विधानसभा के जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो 10.25 लाख मतदाताओं वाली सीट पर ब्राह्मण 2,50,000, दलित 1,25,000, मुस्लिम 2,30,000, त्यागी 58,000, वैश्विक 43,000, जाट 45,000, ठाकुर और यादव करीब 35,000 है। कांग्रेस को उम्मीद है कि परंपरागत वोट के अलावा महिला वोट का फायदा उसे मिलेगा।